महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग के मामले में आज प्राथमिक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी थी आग। प्राथमिक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। गुलाल उड़ाने से आग लगने की बात आई थी सामने। महाकाल टेंपल फायर न्यूज डिजिटल डेस्क उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में गत सोमवार को गर्भगृह में लगी आग के मामले में गठित जांच समिति की प्राथमिक रिपोर्ट गुरुवार शाम तक कलेक्टर को सौंपी जाएगी। इसमें वे सभी कारण बताए जाने की संभावना है जिनसे आग लगी। केमिकल युक्त गुलाल किसने उड़ाया, गुलाल कहां से आया, इसे रोका क्यों नहीं गया, कौन कौन दोषी है आदि बिंदु रिपोर्ट्स में शामिल रहने की संभावना है। धुलेंडी के दिन भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में लगी आग की मजिस्ट्रियल जांच की गई थी। जांच में स्पष्ट हो गया है कि आग, जांच अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज से इसके सबूत मिले हैं। अब जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर नीरज सिंह को सौंपी जाएगी। जांच समिति में शामिल अधिकारियों ने मंदिर कर्मचारियों, पुजारियों, सेवकों सहित 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। गुलाल के नमूने लेकर इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इस बीच दर्शनार्थियों को भीतर भेजने से पहले मोबाइल आदि सख्ती से बाहर ही रखवाया जा रहा है। मंदिर प्रबंध समिति ने यह तय किया है कि शनिवार 30 मार्च को रंग पंचमी पर भगवान को एक लोटा रंग अर्पित किया जाएगा। यह टेसू के फूलों और केसर से बना हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।